फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूं। और हम सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बस अभी एक कुछ 10 दिन हुए हैं, और इसका रिव्यू काफी अच्छा है, काफी लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं इसको आपको यूज कैसे करना है वो बता देती हूँ। जो इस पे वैसे तो मैंने दिखाई है, पीछे लिख के रखा है कि किस तरह से यूज करना है, बट इसे आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें क्या क्या है मैं पहले वो बता देती हूँ। इसमें आपको ड्राई जिंजर है, इलायची है, ब्लैक पेपर है, लवंग है, जायफल है, और दालचीनी है, और धनिया के बीज भी है। तो इन सबसे मैंने ये चाय मसाला बनाया है इस सीजन के लिए। सबसे स्पेशली बारिश के और सर्दी के सीजन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इसे 3 तरह से यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप जैसे कि नॉर्मल चाय बनाते हो, उसी तरह से आपको नॉर्मल चाय पत्ती उबालनी है। उसी के साथ साथ ये मसाला आपको 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून, जैसे आपको ज्यादा पसंद है। वैसे 4 लोगों के लिए बनाना है तो 1 टीस्पून काफी है। अच्छी तरह से उबालिए, उसमें दूध डालिए, और मसालेदार चाय रेडी है। और अगर आपको इसे काढ़े की तरह पीना है, मतलब अगर आपके घर में किसी छोटे से बच्चे को, आपको, या फिर बूढ़े बुजुर्गों को सर्दी खांसी बुखार है, तो आप इसे काढ़े की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका काढ़ा किस तरह से बनाना है? 1.5 कप पानी में आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है, 1 टीस्पून चाय मसाला डालना है, थोड़ी सी चाय पत्ती डालनी है, एकदम थोड़ी सी, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, वो ऑप्शनल है। और इसे अच्छी तरह से उबालना है। 1.5 कप पानी को 1 कप पानी होने तक उबालना है, उसे छान लेना है, थोड़ा सा उसे ठंडा होने देना है, और फिर उसे आपको, आप जिसे भी आपके घर में बुखार सर्दी खांसी कफ हुआ है, आप उसे पीने दीजिए। उनकी सर्दी खांसी कफ 2 दिन में ठीक हो जाएगी। और आप इसे कषाया की तरह भी पी सकते हैं। कषाया हमारे साउथ इंडिया में तो कषाया बहुत फेमस है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी कषाया पीने को मिलता है। तो कषाया किस तरह से बनाना है? आपको दूध लेना है, दूध में 1 चम्मच चीनी डालिए, 1 चम्मच चाय का मसाला डालिए, और अच्छी तरह से उबालिए, छान लीजिए। उबालने के बाद उसे गर्मा गर्म पीजिए, आपको कषाया बहुत पसंद आएगा। अगर आप चाय लवर नहीं है, आपको चाय पीना पसंद नहीं है, तो आप कषाया जरूर ट्राई कीजिएगा। कॉफी और चाय भूल जाएंगे और कषाया पीने लगेंगे। और इसके काफी अच्छे फायदे भी है। जिंजर, इलायची, ब्लैक पेपर, लौंग, ये सभी आपको गर्माहट देते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इस सीजन में इस तरह के मसाले की चाय आप पियेंगे, कषाया पियेंगे, काढ़ा पियेंगे, तो आपको सर्दी खांसी कफ इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और जितने भी प्रोडक्ट हमने इसमें यूज किए हैं, वो सारे मसाले प्रीमियम क्वालिटी के हैं, तो आपको उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि ये मसाला कैसा होगा। ये मैं खुद बनाती हूँ, सालों से हमारे घर में ये मसाला पिया जाता है चाय का, और ये अब मैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए बना रही हूँ। आई होप कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। आप हमें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप मिथिला क्रिएशन में, मैं आपको लिंक दे दूंगी इस वीडियो के एंड में, क्रिएशन बाय मिथिला के, आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM करेंगे तो मैं आपके घर तक आपको ये मसाला जरूर पहुंचाऊंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।